I promise you will see results in like 2 weeks. I promise that. Is something जिसने मुझे results दिखाए हैं, is something जिससे मेरे acne problem almost खत्म हो गई है. I hardly get any acne now. And these marks are also almost gone. And hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना खूबसूरत मेकअप करके कैमरा के आगे क्यों बैठी हूँ. तो मेरा इंटेंशन नहीं था इतनी खूबसूरती से कैमरा के आगे आने का, बट मैंने जस्ट अभी एक वीडियो शूट की है जिसका आउटकम ये था. आउटकम ये क्यों था ये जानने के लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे यहाँ भी लिंक कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी, तो मेक श्योर यू चेक इट आउट. तो आज की वीडियो में आने से पहले, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हाय, माय नेम इज सोनी मिश्रा. I post beauty and lifestyle content here on YouTube twice every week. So make sure you subscribe to my channel down below and don't forget to hit the notification bell right next to it so that you get notified every time I upload a video. Now without making this intro any longer, let's dive right into it. So आज की वीडियो में हम बहुत important topic पे बात करने वाले हैं. So before beginning, let me just change this. Okay, I think the transition was very bad. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्किन केयर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, स्किन केयर स्टार्ट करने से पहले आई विल गेट रिड ऑफ दिस मेकअप एंड फॉर दैट आई यूज द प्लम इल्यूमिनेंस बाम. This is a product that I absolutely love. Now a detailed review about this product I have done on my Instagram. So make sure you check that out. I do quite a lot of reviews on my Instagram. And also I have a skincare series going on over there. तो अब मैंने ये क्लेंजिंग बाम यूज़ करके अपना मेकअप रिमूव कर लिया है. नाउ आफ्टर रिमूविंग माय मेकअप यूजिंग द क्लेंजिंग बाम, मैं एक कॉटन पैड पे गार्नियर माइसिलर वाटर लेके आई गो ओवर माय आई एरिया मेनली, ताकि अगर कोई भी आईलाइनर, मस्कारा या काजल बचा है तो वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए. फिर मैं इसी कॉटन पैड से आई गो ऑल ओवर माई फेस वंस, जस्ट सो दैट थोड़ा बहुत जो भी मेकअप बचा है वो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए. तो अब मेरा मेकअप रिमूव हो गया. तो आपने नोटिस किया होगा दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हमारी नोज पे छोटे छोटे वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हो जाते हैं एंड देर इज़ अ टेक्स्चर ऑन आवर नोज. जब आप अपने फिंगर ऐसे अपने नोज पे ले जाते हैं तो यू फील ग्रेनी टेक्स्चर ऑन योर नोज एंड यू कैन सी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स ऑन योर नोज. जब आप मेकअप भी करते हैं तो दो स्पीक थ्रू योर मेकअप एंड इट डजेंट लुक दैट गुड. एंड ऑल्सो आई हैड सम ड्राई पैचेस हियर, तो मेरी स्किन फ्लेक हो जाती थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर स्किन प्रॉब्लम दैट आई यूज टू फेस वर एक्नेस ओवर हियर. इफ यू कुड सी, आई स्टिल हैव एक्ने मार्क्स हियर, नॉट अ लॉट, जस्ट अ लिटिल बिट. बट अर्लियर ये मार्क्स बहुत ज़्यादा थे और मेरे को बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने भी थे. सो आई हाउ आई गॉट रिड ऑफ देम इज़ व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इन टुडेज़ वीडियो. तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एंड अ लॉट ऑफ देम सेज दीज आर फॉर ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, इससे आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, इससे आपका एक्ने मार्क ठीक हो जाएगा. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक इंसान सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करे और देखे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट? आप कोई भी प्रोडक्ट्स लो, आप उसको प्रॉपरली एक रूटीन में यूज़ करो तो डेफिनेटली इट विल शो रिजल्ट्स ऑन योर स्किन. ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने पड़ेंगे टू सी द रिजल्ट्स. नो, यू कैन यूज़ अफोर्डेबल प्रोडक्ट. इनफैक्ट आई माई सेल्फ इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ अफोर्डेबल ऑप्शंस. आई डू नॉट बाय अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव स्किन केयर.
a very important routine that you have to follow is what I will talk in today's video, and that is CTM. And I promise you will see results in like 2 weeks. I promise that. And CTM is something jisne mujhe results dikhaye hai, is something jisse mere acne problem almost khatam ho gayi hai. I hardly get any acne now, and these marks are also almost gone. So what CTM is, basically cleansing, toning, moisturizing. Only 3 steps, twice to thrice every day, but you have to follow it religiously. आप सुबह उठने के बाद, आप बाहर अगर जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद, एंड रात में सोने से पहले आप 3 टाइम क्लेंस, टोन एंड मॉइस्चराइज करें. आई प्रोमिस यू विल सी द डिफरेंस योर सेल्फ. 2 हफ्तों में आपको दिख जाएंगे विजिबल डिफरेंस. अगर आपके नोज़ पे टेक्सचर है, यू हैव वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, वॉट एवर टेक्सचर यू हैव ऑन योर नोज, यू विल गेट रिड ऑफ दैट. And your acne problem will also reduce a lot. If I do my CTM religiously twice a day, and even 3 to 4 times some days, if I have applied makeup or if I have gone out and I'm coming back, तो आप जब भी स्किन केयर करेंगे बस एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो भी आपकी स्किन टाइप है आप उस टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज़ करें. तो मैं उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूँगी. मे बी आई टॉक अबाउट इट इन अ वीडियो लेटर. और अगर आपको अभी जानना है डिटेल में स्किन केयर स्टेप्स के बारे में, या अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस चाहिए, तो यू कैन हेड ओवर टू माय इंस्टाग्राम. वहाँ पे आपको एक स्किन केयर सीरीज़ मिलेगी. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि आप बेसिकली CTM कैसे फॉलो करेंगे टू गेट रिड ऑफ योर स्किन प्रॉब्लम्स. तो सबसे पहले आप एक क्लेंजर लेंगे, प्रेफरेबली अ सोप फ्री क्लेंजर. कोशिश करें कि आपके क्लेंजर में सोप, अल्कोहल, पैराबेंस ये सब ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली दैट विल हार्म योर स्किन. यू विल टेक जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ क्लेंजर ऑन योर हैंड. आई जस्ट स्प्रिट्स वाटर ऑन माय फेस. नाउ यू विल रब द फेस वॉश ऑन योर हैंड एंड मसाज इट वेरी जेंटली ऑन योर स्किन, वेरी विद वेरी वेरी जेंटल प्रेशर. एंड वन थिंग दैट आई हैव बीन फॉलोइंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ इज दैट मैं हमेशा अपना फेस वॉश 60 सेकेंड्स के लिए करती हूँ. तो आप बहुत जेंटली अपने स्किन को मसाज करें फेस वॉश से. यू कैन यूज़ वाटर टू फोम इट अप. तो अब आई हैव क्लीन्ड माय फेस प्रॉपरली. इट फील्स सुपर रिफ्रेश्ड बट अ लिटिल ड्राई ऑब्वियसली. क्लेंजिंग के बाद सेकेंड स्टेप जो आप करेंगे दैट विल बी टोनर. अब टोनर हम क्यों यूज़ करते हैं? टोनर के बहुत सारे फ़ायदे हैं. टोनर आपके पोर्स जो हैं उनको टाइट करने में हेल्प करता है. टोनर आपके स्किन का पीएच लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है. साथ के साथ टोनर आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. और जब भी आप टोनर यूज़ करेंगे अपने स्किन आगे प्रोडक्ट्स लेयर करने से पहले, तो क्योंकि ये आपके पोर्स को टाइट कर देगा तो इट विल हेल्प कि आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे. और क्योंकि आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे तो आप जो भी मॉइस्चराइज़र, क्रीम, सीरम, वॉट एवर जो भी आप अप्लाई करेंगे वो आपकी स्किन अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी और प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा, आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब होगा. तो टोनर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. सो डू नॉट स्किप टोनर्स. इट फील्स सो रिफ्रेशिंग. नाउ आफ्टर आपने टोनर लगा लिया है, यू कीप द टोनर फॉर अ वाइल टू ड्राई. लाइक आपकी स्किन में ये पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा. यू विल नॉट फील द टोनर ऑन योर स्किन. उसके बाद ही आप और प्रोडक्ट्स लगाएं. आप चाहें तो आप अपने फिंगर्स से इसको धीरे धीरे डैप कर सकते हैं और ऐसे आप अपने प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब करा सकते हैं अपनी स्किन में. ओके, आप देख सकते हैं टोनर पूरा मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो गया है. Now there is nothing coming off. तो अब टाइम है टू मॉइस्चराइज योर स्किन. आप कोई भी मॉइस्चराइजर अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लें. रब इट वेल बिटवीन योर पाम्स. ये आपके प्रोडक्ट को एक्टिवेट करता है. एंड देन मसाज इट इन टू योर स्किन. गिव गुड 45-60 seconds टू मसाज योर मॉइस्चराइजर ताकि ये पूरा आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए. एंड योर डन. तो ये 3 basic steps थे CTM, जिसे फॉलो करके आप श्योरली अपने वाइट हेड्स तो बाय बाय बोल सकते हो एंड स्लोली स्टेडली यू विल गेट रिड ऑफ योर एक्ने एज वेल. ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ट्रस्ट मी. आप ट्राई करें, चाहे यू आर अ मेल और फीमेल, वॉट एवर,
CTM इज़ अ मस्ट. मेरे काफ़ी दोस्तों ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने CTM मेरे कहने पर ट्राई किया एंड आज दे ऑल फॉलो इट देम सेल्फ. मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी से. आप ट्राई करो, आपको डिफरेंस दिख जाएगा एंड यू विल लव द प्रोसेस. ट्रस्ट मी, खुद मन करने लगेगा टू इंडल्ज योर सेल्फ इन स्किन केयर. और जैसे जैसे आप स्किन केयर जान जाएंगे वैसे वैसे यू विल वॉन्ट टू नो मोर अबाउट स्किन केयर. और तब यू कैन डेफिनेटली गो डीपर इन टू स्किन केयर. यू कैन इनकॉर्पोरेट सीरम्स, जेल्स, डे क्रीम्स, नाइट क्रीम, वट एवर सूट्स योर स्किन, वट एवर स्किन प्रॉब्लम यू हैव अकॉर्डिंगली यू कैन इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन टू योर रिजीम. बट स्टार्ट करने के लिए क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ही काफ़ी है आपको डिफरेंस दिखाने के लिए. स्टार्टिंग में आई यूज टू फॉलो ओनली दीज थ्री स्टेप्स, बट अब आई फॉलो अ लॉट मोर स्टेप्स इन माई स्किन केयर रूटीन. तो अगर आप मेरा पूरा स्किन केयर रूटीन जानना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे. आई विल बी हैप्पी टू शेयर इट विद यू ऑल एंड आई प्रोमिस इट विल अगैन बी अ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू. सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बॉक्स बिलो इफ यू वॉन्ट मी टू डू वन सच वीडियो. अगर आप CTM ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो कॉमेंट डाउन बिलो हाउ यू फील अबाउट CTM. और अगर आप इस वीडियो के बाद CTM स्टार्ट करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा. आई विल बी रियली हैप्पी टू नो. With this, I will end today's video. I hope you liked today's video. And if you did, please consider hitting the like button. And also, agar aapne mere channel ko abhi tak subscribe nahi kiya hai, to please kar do yaar. It keeps me motivated. Niche red button hai, click on that. Uske side mein bell button hai, click on that as well. Taki jab jab main video post karu, aapko notification milti rahe. Keep supporting the way you are. I will see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.